क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि प्रूव करें कि हमारा अगर फंक्शन को दोबारा फंक्शन में लगाएं, ये हमारा फंक्शन है उसके अंदर फंक्शन की वैल्यू लगाएं उसी के अंदर, तो हमारा जवाब एक्स आता है। मतलब क्या है, हम लिखेंगे इसको सॉल्व कि एक जो फंक्शन है ना हमारा, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, इसके अंदर वही फंक्शन उठा आगे लगाएं, मतलब कि पुट करें x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब बात समझ आइए, उसी फंक्शन को उठा के उसी में लगाना है तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स हो गया, किसके बराबर आएगा जी, x की जगह पे मैंने ये लगाया तो अब x की जगह पे ये लगाने पड़ेगा। इधर देखो, ये x की जगह पे ये लगाएं सारा x प्लस वन ओवर x मनफी वन और जमा वन वैसे का वैसे। अब ये देखें x प्लस वन ओवर x मनफी वन और माइनस वन वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखिए, ये तो चीज़ हमारी वही आ गई जो कि वो कह रहा है, तो इसको मैं इधर ही स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, ये बार बार लिखनी है लेकिन आप इधर आप लिखिए, मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे दोनों का तदाकल कितना है, इसका एक इसका तो ये आता है x मनफी वन, एक्स मन भी वन जो रख, तो ये देखिए यहाँ से आ गया जी एक्स प्लस वन और ये जमा का, तो जमा ये निचले वाला सारा एक्स मन भी वन ओवर नीचे वाला, देखिए एक्स मन भी वन जो रख, तो ये आ गया एक्स प्लस वन और मनफी एक्स मन भी वन, तो क्या आ गया जी मनफी का ये कट गया इससे, ये वाला तो ये कट गया, तो ये जमा का ये कट गया, तो क्या रह गया हमारे पास, ये आ गया जी दो एक्स ओवर और बटे में ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाए ओवर टू आ, ये प्लस हो जाना था जो यहाँ पे ओवर टू, तो टू से टू कट गया तो कह रहा है एक्स के बराबर, तो ये इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो आप कहेंगे हैंसर टू।